वाराणसी, जहां कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदूषण मुक्त और सस्ते परिवहन व्यवस्था के तहत टोटो सेवा की शुरुआत की थी, वहीं अब सैकड़ों टोटो चालक प्रशासन के फैसले के खिलाफ शास्त्री घाट पर अनिश्चितकालीन धरना और अनशन पर बैठ गए हैं। इन चालकों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश के चलते उनका रोजगार छिन गया है और वे बेघर होने की कगार पर है। आपको बताते चले कि कभी शहर की सड़कों पर हजारों टोटो दौड़ने से कई लोगों को रोजगार मिला, लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या भी पैदा होने लगी। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई क्षेत्रों में टोटो संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद से टोटो चालकों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। इसी के बाद टोटो चालकों में आक्रोश नजर आया। टोटो चालकों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन का यह निर्णय उनके लिए आत्महत्या की स्थिति पैदा कर रहा है। एक और जहां पूरे शहर में बसों सहित अन्य वाहन बेरोक टोक चल रहे हैं, वहीं टोटो चालकों के खिलाफ प्रशासन ने दोहरा मापदंड अपनाया है। उनका कहना है कि अगर टोटो संचालन को सही तरीके से प्रतिबंधित किया जाए तो शहर में जाम की समस्या नहीं होगी, लेकिन प्रशासन टोटो चालकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर उन्हें बेबस कर रहा है। फाइनेंस पर खरीदी गई गाड़ियों के कर्ज का बोझ पहले से ही चालकों को परेशान कर रहा और अब प्रशासन के इस नए आदेश से उनके हालात और बदतर कर दिए गए हैं। आज सर जो है हम लोगों का आमरण अनशन शुरू हो रहा है। हम लोग कई बार जो फरियाद लेके जिला अधिकारी महोदय के पास गए, ये कहते हुए कि गरीब से गरीब ई रिक्शा वाला है जिसके पास इस महंगाई इस बेरोजगारी के दौर में ले दे के एक छोटा सा ई रिक्शा है, अपना परिवार चला रहा, अपने बच्चे पाल रहा, बड़ी मुश्किल है। इसमें जो है अगर आप रूट जो बना रहे हैं अगर उसको सड़क पे नहीं चलने देंगे तो वो अपना परिवार कैसे पालेगा, अपने बैंक की किस्त कैसे देगा, लोन कैसे भरेगा, ये तमाम जो है मुश्किलों में वो कैसे कैसे तो अपना पालन पोषण कर रहा परिवार का। 200-300 रुपए से ज़्यादा कमाई नहीं है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे लोकसभा के सदस्य जो है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उन्होंने यहाँ पर ये ई रिक्शा जो है हमें दे के गए और अब जो है हमसे ई रिक्शा वापस जो है हमसे सड़क हमसे छीना जा रहा, रोड जो है हमसे छीना जा रहा। तो ये जो है पहले ही बेरोजगारी बहुत है, सरकार बहुत चिंतित है रोजगार देने के लिए और जो लोग रोजगार पे हैं उनसे ही रोजगार छीन लिया जाएगा। यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है, लोग 200-300 रुपये कमा रहे हैं, कई बार किस्त देने में मुश्किल हो जाती है, कई बार बच्चे की फीस देने में मुश्किल हो जाती है, कई बार तो चाय के लिए दूध नहीं ला पाते हैं। हमारी मांगे हैं एरिया मत बांटिए, जब तक आप चालकों से बिना सहमति के बिना चालकों के बात किए हुए आप कोई भी नियम लेके आएंगे वो जो है हम चालकों को गरीब चालकों को जीने के लायक नहीं छोड़ेगा। कमाई के खिलाफ है ये, कमाई नहीं होने देगा। ऐसे में हम लोग अनशन तब तक चलेगा, ये आमरण अनशन है, ये अनशन तब तक चलेगा जब तक हमारे प्रशासन के लोग।